और वही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई अहम जानकारियां दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान धान की फसल छोड़कर अन्य फसल बुआई करेगा उसको 7000 का इंसेंटिव भी दिया जाता है। साथ ही कृषि मंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान की फसल लगाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन जो किसान धान को छोड़कर अन्य फसल की बुआई करेगा उसको अलग से 7000 इंसेंटिव दिया जाता है। धान में 15 जून से लगाने की सरकार की तरफ से इजाजत है और पानी की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे। और इस स्कीम का 1,00,000 के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, DSR विधि से डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4000 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निपथ योजना एक अच्छा कदम है। पहले से ही विकसित देशों में अमेरिका, कनाडा और यूरोप देशों में ऐसा कानून है। और साथ ही दलाल ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और शिक्षित भी करेंगे। बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का। और बहुत सारे देशों, विकसित देशों में अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25000 बच्चों की ज़रूरत है तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे। और जितनी ज़रूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो 4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, CRPF में, BSF में, हर जगह एक अलग उनको कहीं ना कहीं समायोजन उनका हो जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन अग्निपथ योजना प्रदेश के युवाओं के लिए काफी लाभदायक योजना है। इससे युवा अच्छे नागरिक बनेंगे और माता पिता पर भार भी नहीं होगा। चंडीगढ़ से कविता सैनी की रिपोर्ट।